नमस्कार, आप सभी का द नगरी न्यूज में स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आज भारत के महान सिंगर मन्ना डे की पुण्यतिथि है। 1 मई 1919 को कोलकाता में मन्ना डे का जन्म हुआ और 24 अक्टूबर 2013 को बेंगलुरु में उन्होंने अंतिम सांस ली। अपने 94 साल के जीवन में उन्होंने संगीत की बहुत सेवा की। 60 और 70 के दशक का दौर था जब हर बड़ी फिल्म में एक आवाज बेहद कॉमन थी और वो आवाज थी मन्ना डे, जिनके साथ हर म्यूजिक कंपोजर काम करना चाहता था और हर निर्देशक की इच्छा होती थी कि उनकी आवाज में गाने आए। तभी तो अपने करियर में उन्होंने लगभग 142 फिल्मों में काम किया। 1950 से 1970 के दौरान भारतीय सिनेमा जगत में उनकी प्रसिद्धि चरम पर थी। उनके गाए गीतों की संख्या लगभग 3500 से भी ज्यादा थी। उन्हें 2007 के प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया। भारत सरकार ने उन्हें 2005 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। मन्ना डे ने अपने जीवन के 50 साल मुंबई में बिताए। फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरीन प्लेबैक सिंगर मन्ना डे अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके गाए गानों के जरिए आज भी वो हमारे बीच जिंदा है और हमेशा रहेंगे। आइए आज आपको उनके जीवन से जुड़ी कुछ जरूरी बातों के बारे में बताते हैं। मन्ना डे का वास्तविक नाम प्रबोध चंद्र डे है। मन्ना उनका निकनेम था जो उनके अंकल ने उन्हें दिया था। कलकत्ता के स्कॉटिश कॉलेज में उन्होंने संगीत प्रतियोगिता में 3 वर्ष लगातार जीता तो आयोजकों ने चांदी का तानपुरा देकर कहा कि वे आगे से प्रतियोगिता में भाग नहीं लें। मन्ना डे के सामने 2 विकल्प थे, या तो वो बैरिस्टर बनते या सिंगर। मन्ना डे ने सिंगर बनना पसंद किया और अपने अंकल केसी डे के साथ 1943 में मुंबई आ गए। केसी डे दृष्टिहीन थे और उन्हें संगीत की गहरी समझ थी। उनसे ही मन्ना डे संगीत की शिक्षा ले रहे थे। 23 वर्षीय मन्ना डे को विजय भट्ट की फिल्म राम राज्य में पहला गाने का अवसर संगीतकार शंकर राम व्यास ने दिया। ये एक धार्मिक गाना था। इसके बाद मन्ना डे को धार्मिक गानों के ही ऑफर मिलने शुरू हो गए, जिससे मन्ना डे काफी खफा हो गए थे। ऐसे वक्त SD बर्मन ने उनकी मदद की। बर्मन के संगीत निर्देशन में मन्ना डे ने ऊपर गगन विशाल फिल्म मशाल के लिए गाया, जो हिट रहा और मन्ना डे के लिए नई राह खुल गई। मन्ना डे ने हमेशा SD वर्मन के प्रोत्साहन का एहसान जताया। दूरदर्शन को दिए एक इंटरव्यू में मन्ना डे ने कहा था कि उनके गाने गाकर मैं धन्य हो गया। धार्मिक फिल्मों के गायक की इमेज तोड़ने में मन्ना डे को लगभग 7 साल लग गए। काबुली वाला के गाने ए मेरे प्यारे वतन से मन्ना डे लोकप्रियता की बुलंदियों को छू चुके थे। क्लासिक नंबर्स गाने में मन्ना डे का मुकाबला फिल्म इंडस्ट्री का कोई गायक नहीं कर सकता था। तब भी कोई कठिन गीत होता था, संगीतकार मन्ना डे को ही याद करते थे। मन्ना डे की ये बदकिस्मती थी कि ज्यादातर उन्होंने सी ग्रेड फिल्मों के लिए गाने गाए, लेकिन उनके गाने ए ग्रेड होते थे। मन्ना डे को उनकी प्रतिभा के अनुरूप सफलता नहीं मिली। इसका कारण ये था कि वे किसी कैंप का हिस्सा नहीं थे। उस समय भारतीय फिल्म संगीत में खेमेबाजी जोरों पर थी। मन्ना डे की प्रतिभा के सभी कायल थे, लेकिन साइड हीरो, कॉमेडियन, भिखारी, साधु पर कोई गीत फिल्माना हो तो मन्ना डे को याद किया जाता था। कहा तो ये भी जाता था कि मन्ना डे से दूसरे गायक भयभीत थे, इसलिए वे नहीं चाहते थे कि मन्ना डे को ज्यादा अवसर मिले। मन्ना डे के मोहम्मद रफी बेहद अच्छे दोस्त थे। रफी को मन्ना डे सबसे उम्दा गायक मानते थे। लागा चुनरी में दाग गाने के लिए जब मन्ना डे को अवार्ड नहीं मिला तो उन्हें काफी बुरा लग गया, जबकि ए भाई जरा देख के चलो के लिए जब उन्हें अवार्ड मिला तो वो आश्चर्यचकित हो गए। मन्ना डे के गाने की जब रिकॉर्डिंग होती थी तो वो सबसे पहले स्टूडियो में पहुंच जाते थे। उनका कहना था कि वे गाने को जन्म लेते हुए देखना चाहते हैं, इसलिए स्टूडियो सबसे पहले पहुंच जाते हैं। कोलकाता का हर शख्स फुटबॉल प्रेमी होता है। मन्ना डे भी फुटबॉल जवानी के दिनों में खेला करते थे। मन्ना डे की अंग्रेजी सुनकर कई लोग उन्हें अंग्रेजी का प्रोफेसर समझ लिया करते थे। मन्ना डे ने कई गैर फिल्मी गाने, गजलें भी गाई। हिंदी के अलावा उन्हें अपनी मातृभाषा बंगला में भी गाने गाए। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी स्टोरी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।